वेलकम टू द होली वीक सर्विस। पवित्र सप्ताह के तीसरे दिन की इस आराधना सभा के लिए आप सबका स्वागत है। धन्यवाद देते हैं पिता ने जिसने अब तक हमें संभाला है। आइए इसको शुरू करने से पहले हम प्रभु की ओर देखिए, अपना ध्यान प्रभु की ओर रखें। दयालु प्रभु सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हुए तेरे कदमों में आते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, तूने एक और मौका दिया कि आज इस पवित्र सप्ताह की अगली आराधना में हम शामिल हो सके। प्रभु धन्यवाद, अब तक आप हमारी अगुवाई करते आ रहे, मार्गदर्शन कर आ रहे हैं। और इस प्रभु जी लॉकडाउन के समय में आपके प्रभु जी हम अपने घरों से नहीं आ सकते, तेरे भवन में नहीं पहुंच सकते, तूने हमें ये प्रभु एक साधन दिया है जिसके द्वारा तेरे वचन को पिता परमेश्वर हम अपने प्रियजनों तक पहुंचा सकते हैं। हम सब पर और हमारे तमाम प्रियों पर, जितने भी प्रभु इस वीडियो को देखते हैं, सब पर तेरी बरकत तेरी आश चाहते हैं। आज के इस शुरू करने से पहले, आराधना को शुरू करने से पहले, हम अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हम तेरे क्रूस के पीछे अपने आप को छिपाते हैं। तू बड़े, हम घटे, और तेरे नाम को महिमा, तेरे नाम को जलाल मिलने पाए। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम, आमीन। दिल के दाग को धोवे कौन, लहू जो की क्रूस से जारी, मेरे मर्ज को खोवे कौन, लहू जो की क्रूस से जारी। वो चश्मा है मामूर, दाग दिल के करता दूर है, मुझको दिल मंजूर, लहू जो की क्रूस से जारी। मेरे
सबको जय मसीह की। आज का सबक लिया गया है यशाया 50 उसका 1-10 आयत तक। यशाया 50 उसका 1-10 आयत तक इस प्रकार लिखा है, तुम्हारी माता का त्याग पत्र कहाँ है जिसे मैंने त्यागते समय दिया था, या मैं किस व्यापारी के साथ तुम्हें बेचा। यहोवा यूं कहता है, सुनो अपने ही अधर्म के कामों के कारण बिक गए और तुम्हारे अपराधों के कारण तुम्हारी माता छोड़ गई। इसका क्या कारण है कि जब मैं आया तब कोई ना मिला, जब मैंने पुकारा तब कोई ना बोला। क्या मेरा हाथ छोटा हो गया है कि छुड़ा नहीं सकता, क्या मुझ में उद्धार करने की शक्ति नहीं रही। देखो मैं धमकी से समुद्र सुखा सकता हूँ, मैं महानदों को रेगिस्तान बना देता हूँ, उसकी मछलियां जल बिना मर जाती और बरसाती हैं। मैं आकाश को मानो शोक का काला कपड़ा पहना था और टाट को उसका ओढ़ना बना देता हूँ। प्रभु यहोवा मुझे सीखने वालों की जीभ दी है और थके हुओं को अपने वचन के द्वारा संभाला जाना। भोर को वह नित मुझे जगाता और मेरा कान खोलता कि मैं शिष्य के समान सुनूं। प्रभु यहोवा मेरा कान खोलता है और मैंने विरोध ना किया ना पीछे हटा। मैंने मारने वालों को पीट और गल मोच नोचने वालों की ओर अपने गाल किए। अपमानित होने और उनके थूकने से मैंने मुंह ना छिपाया, क्योंकि प्रभु यहोवा मेरी सहायता करता है। इस कारण मैंने संकोच ना किया, वरन अपनी माथा चकमक के समान कड़ा किया, क्योंकि मुझे निश्चय था कि मुझे लज्जित ना होना पड़ेगा। जो मुझे धर्मी ठहराता है वो मेरे निकट मेरे कौन 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 मुकदमा लड़े करेगा। हम आमने सामने खड़े हों, मेरा विरोधी कौन है वह मेरे निकट आए। सुनो प्रभु यहोवा मेरी सहायता करता है और मुझे कौन दोषी ठहरा सकेगा। देखो वह सब कपड़े के समान पुराने हो जाएंगे, उनको कीड़े खा जाएंगे। तुम में से कौन है जो यहोवा का भय मानता और उसके दास की बातें सुनता है। जो अंधियारे में भी चलता हो उसके पास ज्योति ना हो, वह यहोवा के नाम पर भरोसा रखे और अपने परमेश्वर से आशा लगाए रखे। यह परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आप सबको जय मसीह की। हम पढ़ेंगे भजन संहिता 55 12 से लेकर 22 आयत तक, साम 55 वर्सेस 12-22। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, जो मेरी नाम धराई करता है वह शत्रु नहीं था, नहीं तो मैं उसको सह लेता। जो मेरे विरुद्ध बड़ाई मारता है वह मेरा बैरी नहीं है, नहीं तो मैं उससे छिप जाता। परंतु वह तो तू ही था जो मेरी बराबरी का मनुष्य, मेरे परम मित्र और मेरी जान पहचान का था। हम दोनों आपस में कैसे मीठी मीठी बातें करते हैं थे। हम भीड़ के साथ परमेश्वर के भवन को जाते थे। उनके मृत्यु अचानक आ दबाए, वे जीवित ही अधलोक में उतर जाएं, क्योंकि उनके घर और मन दोनों में बुराई और उत्पात भरा है। परंतु मैं तो परमेश्वर को पुकारूंगा और यहोवा मुझे बचा लेगा। सांझ को, भोर को, दोपहर को, तीनों पहर को मैं दुहाई दूंगा और करहाता रहूंगा, और वह मेरा शब्द सुन लेगा। जो लड़ाई मेरे विरुद्ध मची थी उससे उसने मुझे कुशल के साथ बचा लिया है। उन्होंने तो बहुतों को संग लेकर मेरा सामना किया था, परंतु जो आदि से विराजमान है यह सुनकर उनको उत्तर देगा। ये वे हैं जिनसे कोई परिवर्तन नहीं और उनमें परमेश्वर का भय ही नहीं। उसने अपने मेल रखने वालों पर भी हाथ छोड़ा है, उसने अपने वाचा को तोड़ दिया है। उसके मुंह की बातें तो मक्खन से चिकनी थी,
परंतु उसके मन में लड़ाई की बातें थीं। उसके वचन तेल से अधिक नरम तो थे, परंतु नंगी तलवारें थीं। अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा, वह धर्मी को कभी टलने ना देगा। ये परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का धन्यवाद। मैं आपके सामने पढ़ूंगा लुका रचित सुसमाचार उसका 22वां अध्याय उसके एक वचन से लेकर 6 वचन तक। लुका रचित सुसमाचार उसका 22वां अध्याय उसके एक वचन से लेकर 6 वचन तक यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, अखमीरी रोटी का पर्व जो फसह कहलाता है निकट था और प्रधान याजक और शास्त्री इस बात की खोज में थे कि उसको कैसे मार डालें, पर वे लोगों से डरते थे। तब शैतान यहूदा में समाया जो स्कृति कहलाता और 12 चेलों में गिना जाता था। उसने जाकर प्रधान याजकों और पहरुओं के सरदारों के साथ बातचीत की कि उसके किस प्रकार उनके साथ पकड़वाए। वे आनंदित हुए और उसे रुपये देने का वचन दिया। उसने मान लिया और अफसर ढूंढने लगा कि जब भीड़ ना हो तो उसे उनके हाथ पकड़वा दे। ये मसीह की इंजील है। आई मसीह तेरी तमजीद हो। परमेश्वर के वचन में आज हम देखते हैं जो लूका रचित सुसमाचार उसके 22 अध्याय में एक वचन से 6 वचन तक यहाँ पढ़ा गया है। और इसमें हम फिर एक बार पढ़ते हैं एक नए फेस्टिवल के बारे में। हम देखते हैं अखमीरी रोटी का पर्व जो फसा के भी कहलाता है निकट था, नजदीक था, और प्रधान और याचक और शास्त्री सब इस बात की खोज में थे कि वो कैसे यीशु को मार डालें, पर वे लोगों से डरते थे कहीं बलवा ना हो जाए। तो यहाँ आप आज के जब हम इस होली वीक के तीसरे दिन में आ चुके हैं, तीसरे दिन में देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के विरोध में एक बहुत बड़ी योजना बन रही है ताकि प्रभु यीशु मसीह को मारा जाए। कल हमने देखा था 3 स्तर पर इसकी योजना चल रही थी। प्रभु के लोग भी मिलते थे प्रभु से, और ये लोग भी मिलते थे। योजना बन रही है और अब योजना इनकी इस प्रकार से, जैसे हम देखते आ रहे हैं कि ये योजना तो बन गई, इनका रेजुलेशन विशुल पास है, इनका जो है लॉ बिल बिल्कुल इन्होंने अप्रूव करा लिया, सब कुछ इनके हाथ में है। परंतु अब इनका डर है कि पब्लिक के बीच में ये सब कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि पब्लिक के बलवा होने से ये डरते हैं। इनको डर है कि पब्लिक के सामने जब ये सब कुछ होता है तो पब्लिक इनके विरोध में आ जाएगी, पब्लिक से इनको अपनी जान माल का, अपनी पदवी, अपने ओहदे का, अपने कारोबार का, अपने इस जो है सब चीज़ों का, इनको इस ढोंग की वजह से उनको डर था। प्रभु यीशु मसीह के बारे में हमने देखा कि वो सिनागोग के बीच में वहाँ प्रभु के आराधनालय में वो रोज लोगों को परमेश्वर का वचन सुनाते थे और लोग बड़े खुशी बड़े आनंद के साथ प्रभु का वचन सुनते थे। प्रभु यीशु मसीह जबकि मृत्यु उसके सामने है, अब आखिरी वक्त है, चरम सीमा पर सब कुछ आ चुका है, फाइनल होने वाला है, और प्रभु यीशु मसीह को मरने का किसी प्रकार से भी प्रभु यीशु मसीह को मरने का भय नहीं है, प्रभु यीशु मसीह में डर नहीं है, जबकि ये लोग डरे हुए, क्योंकि ये गलत है और प्रभु यीशु मसीह सच्चाई पर है, सच्चा है, और उसको किसी भी प्रकार का डर नहीं है। वचन में लिखा है अखमीरी रोटी का जो फसा भी कहलाता है पर निकट था, नजदीक था, और ये सब कुछ प्लानिंग कर रहे थे। अभी जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो वो समय निकट आता जाता है। एक जगह पर लिखा 2 दिन बाकी थे और ये प्लानिंग कर रहे थे, परंतु पब्लिक से डरते थे, लोगों से डरते थे। और ये जो फसा का त्यौहार को थोड़ा सा हम देखें कि फसा का त्यौहार जो अखमीरी रोटी का ये ऐसा है जो हम इसमें और फसा में बहुत ही अच्छा लिंक है। जितना महत्वपूर्ण हम उसको मानते हैं उसके साथ ही उतनी ही महत्वपूर्ण बात इसमें भी होती है कि जिस रात परमेश्वर ने मिस्रियों के पहलौठों को मार डाला और इसराइलियों के पहलौठों को उस लहू की वजह से उनकी घर के चौखटों पर लगा था उसकी वजह से इनको स्पेयर कर दिया, छोड़ दिया,
उस रात जब राजा और पब्लिक मिस्रियों ने दुखी होकर के इनको जाने के लिए बोला, तो यहाँ इनको जल्दी से फुर्ती के साथ बिना वक्त जायज बर्बाद किए हुए प्रभु इनको परमेश्वर की आज्ञा थी कि अभी यहाँ से निकल जाओ। और इनके पास जो भी आटा थे आस पड़ोस से जो भी इन्होंने लेना था, जिस प्रकार से भी प्रभु की हिदायत थी इनको, वो इन्होंने इकट्ठा किया। इनके पास टाइम नहीं था कि अब उसमें खमीर मिला के उस रोटी को तैयार करें, इसलिए इनके पास ये अनलेवेंट जो अखमीरी आटा अखमीरी सब कुछ था, और वो वहां से निकलते हैं आगे उसी जो है बिना खमीर के जा अखमीर वाले भोजन को ये खाते हैं। इस बड़ी याद को कि परमेश्वर ने अद्भुत रीति से बड़ी सामर्थ के साथ इनको मिस्र से निकाला था, उस सामर्थ से सामर्थ के लिए जो प्रभु ने वहाँ दिखाई थी, और उस बड़े अनुग्रह के लिए जो प्रभु ने इनके साथ किया था कि प्रभु ने उनके पहलौठों को जानवर हो या उनके अपने आदमियों के हो उनको तो मार दिया, और इनके पहलौठों को बख्श दिया, इनको रिहाई देने के लिए इनको वहाँ लंबी गुलामी और बड़े उस कष्ट वाले समय से निकालने के लिए उस दिन को याद लाता है। वो समय नज़दीक था, वो पर्व नज़दीक था, और ये शास्त्री लोग जितने भी हैं या याजक या जितने भी ये फरीसी लोग हैं उसकी तैयारी में होंगे, लेकिन इनका दिमाग ज़्यादा चल रहा था कि ये प्रभु यीशु मसीह को किस प्रकार से पकड़े और उसका नाश करें। एक पर्व की तैयारी है, आज भी हमारे ऐसे होता है, हम पर्व में होते हैं, साथ के साथ हमारी चालबाजी के लिए भी हम सोचते रहते हैं, चालें खेलते हैं हम ऐसे समय में, ये भी एक चाल में था, और उस सच्चाई को अपने सामने से हटा देना चाहते हैं, उसका नाश करना चाहते हैं। और वचन में लिखा है शैतान यहूदा के मन में समाया। अभी मैं आपके बीच में ये पढ़ना चाहता हूँ, जब ये सब कुछ हुआ और उसके बाद वे पब्लिक से डरते थे, और तीसरे वचन में तब शैतान यहूदा में समाया जो इस्करियोती कहलाता है और 12 चेलों में गिना जाता था, शैतान उसमें समा गया। अब ये बड़ी विचित्र सी बात है, कभी कभी मैं इन चीजों के बारे में सोचता हूँ तो मुझे बड़ी हैरानी होती है कि शैतान समा जाए, शैतान किसी को अपने पोजेशन में ले ले, पूरा कब्जे में लेकर के, और टोटली जो है जो ऐसे विरुद्ध काम करें, गलतियां होती, ठोकर लगती, वो एक अलग बात है, लेकिन शैतान समा गया और इसने अपना शैतान के हाथों के समर्पित किया। यहाँ जब हम यहूदा इस्करियोती की बात देखते हैं, हमें एक एक बात मुझे यहाँ एक कलाम से परमेश्वर के वचन से याद आती है कि परमेश्वर में के वचन में क्या, जब दुष्ट आत्मा किसी मनुष्य में से निकलती है और निकलने के बाद वो शून्य वैरानी जगहों पर जाती है और इधर उधर कोई ठिकाना नहीं पाती, कोई जगह नहीं पाती, वापस आती है, उसी व्यक्ति को देखती है अपने घर को झाड़ा बुहारा हुआ, साफ सुथरा पवित्र देखती है, और फिर अपने साथ अपने से भी भयंकर दुष्ट आत्मा को लेकर के आती है, और वो जब उसमें समा जाती है तो उसका हाल पहले से भी बद से बदतर कर दे, पहले से भी उसको बुरी हालत में लेके आती है। यहाँ यहूदा के साथ भी कुछ ऐसा ही केस है। अभी प्रभु यीशु मसीह के साथ हमेशा रहने की वजह से हम देखते हैं कि उसको प्रभु ने बहुत वचन दिया था, जैसे बाकी 11 चेलों प्रभु का वचन सीखते थे पब्लिक के बीच में, हर जगह पर इनको अलग में आकर के प्रभु सिखाते थे, उनके भेद बताया करते थे, वो सारी नौर सारा ज्ञान इसके पास था, परंतु इसको अपने हृदय में नहीं रखा। जैसे परमेश्वर का वचन भी कहता कुलुसियों उसके तीसरे अध्याय में के परमेश्वर के वचन को अधिकाई से अपने दिल में बसने दो। बहुत बार क्या होता है कि ये हमारी हेड नॉलेज होती है, हमारे दिमाग में नहीं होता बल्कि हमारे जो ब्रेन में है, हमारी हेड नॉलेज है, हमने सीखा है, पढ़ा है, ज्ञान को लिया है ताकि हम बहस कर सके, ज्ञान को लिया कि ताकि बड़े बड़े लोगों का मुंह चुप बंद करा सके, लेकिन उसको भलाई के लिए प्रभु की महिमा के लिए हम उसको इस्तेमाल नहीं करते। ऐसा ही कुछ हाल यहाँ यहूदा इस्करियोती का भी दिख रहा है, प्रभु का वचन सीखा है, प्रभु का वचन सुना है, प्रभु के साथ रहा है, लेकिन वो वचन जो है इसके बाहर है, दिल में नहीं है, दिल में नहीं है, और वो वचन दिल में आना बहुत जरूरी है। जब हम यहूदा के बारे में आगे मनन करते हैं जिसने इतना बड़ा स्टेप लिया
इतना एक जो है इतना घिनौना काम इसने किया कि जगत के उद्धार करता उस मुक्ति देने वाले प्रभु को, उस पूरी सृष्टि के मालिक को जो उसने पकड़वा दिया, ये इतना बड़ा जो उसकी जिंदगी में बदलाव आया, ये बड़ी जो है अजीब सी बात है। उसके नाम को देखें, उसका नाम है यहूदा। यहूदा का मतलब है वो जिसमें प्रभु की महिमा, प्रभु की स्तुति होती है, प्रभु की आराधना होती है, जो इसके नाम के बिल्कुल या ये उस नाम के बिल्कुल विपरीत हो चुका था। और उसका नाम है पूरा, उसका सरनेम है इस्करियोती। इस्करियोती जो है वो इससे ये पता चलता है कि ये कारियोत जगह का निवासी था। इसको जब इब्रानी में जब दो शब्दों का संधि बना दी जाती है और उसके बीच में नाम आता इस्करियोती यहूदा, मतलब इस मतलब इंसान आदमी, और कारियोत मतलब उस हलके का, उस इलाके का नाम है, तो इसलिए इसका नाम इस्करियोती कहा जाता था। यहूदा इसका नाम है और इस्करियोती इसके इलाके के साथ इसको उपनाम दिया गया, इसका सरनेम है। जैसे हमें से बहुत सारे लोगों का ऐसे नाम होता है, जैसे हमारे प्रांत हमारी भाषा को लेकर के हमारे नाम होते हैं, और ऐसे ही इसके इलाके को लेकर के इसका जो है एक नाम है। और हम देखते हैं कि उस नाम के मुताबिक इसका जीवन नहीं है। वैसे इसको देखा जाए, इसके बारे में देखा जाए, इसकी एम्बिशन को देखा जाए, इसकी सोच को देखे, इसने बहुत बड़ा जो है ख्वाब देख रहा है, बहुत बड़ा महत्वाकांक्षा का इसने जो है अभिलाषा से एक एम्बिशियस होकर के जो है भर करके इसने एक ख्वाब देखा। जब इसने प्रभु यीशु मसीह को, उसके कामों को, उसके व्यक्तित्व को, उसकी सामर्थ्य को, उसके प्रकृति के ऊपर अधिकार को, उसके प्यार को, उसके माफ करने वाले स्वभाव को, उसकी तमाम गुणों को, उस बात को प्रभु यीशु मसीह को इसने बड़ी ही अच्छी तरीके से देखा। ये नहीं है कि वो जानता नहीं था, परंतु फर्क क्या था, वो हृदय में नहीं रखता, दिल में नहीं रख रहा था, वो आता था। जैसे हम यूहन्ना की इंजील में उसके 15 अध्याय में 7 वचन पढ़ते हैं, अक्सर इसको कोड किया जाता है, और उसमें लिखा, यदि मेरी बातें तुम में बनी रहे तो मुझ में बने रहो, जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। लेकिन जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाए, इस बात से पहले हमें प्रभु में होना है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे। और यहाँ ये तो ठीक था कि ये प्रभु में आ गया, जैसे वचन अभी भी हमने पढ़ा, वो चेलों में गिना जाता था। जब चेलों में गिना जाता था, हम सुसमाचारों में लिस्ट को देखते हैं, प्रेरितों के काम में उस लिस्ट को देखते हैं, इसका नाम आखिर में आता है, और उस नाम के साथ इसको एक जो है आगे एक और इसके लिए लिखा जाता है कि जिसने अपने प्रभु यीशु को, जिसने प्रभु को पकड़वा भी दिया। ये अक्सर इसके लिए लिखा जाता है। कल का जो हमारा वचन था उसमें हमने देखा कि ये मरियम की आलोचना कर रहा है, क्योंकि उसने एक बहुमूल्य इत्र प्रभु यीशु मसीह के पैरों में या सिर में जो वो उंडेल दिया, और उसका कैलकुलेशन कर रहा है। और हम ये देखते हैं, प्रभु ने कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूँ, जहां 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 भी सुसमाचार प्रचारा जाएगा, प्रचार किया जाएगा, मरियम की याद में, मरियम के स्मरण में ये बात भी, ये काम भी उसका स्मरण किया जाएगा। और ऐसे में कहता हूँ कि जहाँ उसको रिवार्ड मिलता है, जहाँ उसको आशीष मिलती है, वहाँ इसका ज्योति ज्योतिया को भी जो है वो उसको रिवार्ड मिला, उसको उसका क्रेडिट मिल रहा। ये कि हर जगह जब उसका नाम लिया जाएगा, उसको ये भी कहा जाएगा कि इसने प्रभु यीशु मसीह को पकड़वा दिया था, अपने गुरु को, अपने प्रभु को इसने पकड़वा दिया था। अभी उस प्रभु यीशु मसीह के बारे में उसको सब कुछ पता था, सब जानता था। प्रभु यीशु मसीह के जब इसने कामों को देखा कि वो इतनी बड़ी बड़ी भीड़ को थोड़े से खाने में खिला रहा, तो इसकी कल्पना क्या थी कि जो राज की वो कल्पना कर रहा है प्रभु यीशु मसीह को लेकर के, उसमें किसी प्रकार की भूखमरी नहीं होगी, वहां भोजन वस्तु की बहुतायत होगी। जब इसने जो है लोगों को बीमारियों को चंगा करते देखा, तो इससे बड़ा कोई मेडिकल डॉक्टर नहीं होगा, और उस राज में बीमारियां नहीं होगी। जब इसने जो है प्रभु यीशु मसीह को मुर्दों को जिंदा करते हुए देखा, जो
अभी थोड़ी देर पहले 12 साल की लड़की थी जो जवान मर चुका था नीनवे शहर का, जब उसको बाहर कब्रिस्तान में ले गए थे, जब लाजर जैसा जो मरा हुआ व्यक्ति 4 दिन के बाद जब उसको जीवित किया जाता था, तो उस सामर्थ्य को कि मृत्यु के ऊपर भी प्रभु यीशु मसीह की कितनी पकड़ है, कितना अधिकार है कि उस हर मरे हुए अलग अलग समय के अलग अलग मरे हुए लोगों को जब ये बुलाता वो आ जाता है। तो वो इसने ये देखा कि ऐसे राज होगा जिसमें यहूदा इस्करियोती की एक मुख्य स्थान होगा और उसमें एक ये खास मोतबेर व्यक्ति होगा और उसमें जो भी कोई खास व्यक्ति होगा, अजीज व्यक्ति होगा, जिसकी अपने बहुत नज़दीक होगा, उसकी यदि मृत्यु भी हो जाएगी तो प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य के द्वारा उसको जिंदा किया जाए। यहाँ तक कहा जा सकता है कि जिस राज का स्वप्न कल्पना इसने सोची थी उसमें किसी प्रकार की मृत्यु भी नहीं हो सकती। इसने जब प्रभु यीशु मसीह का प्रकृति के ऊपर अधिकार को देखा, जब प्रभु यीशु मसीह आंधी और तूफान को रोक देते हैं, थाम देते हैं, जब इसने प्रभु यीशु मसीह को दुष्ट आत्मा से लोगों दुष्ट आत्मा को जो निकालते देखा, तो प्रभु यीशु मसीह के बारे में कितनी अच्छी इसकी सोच थी, कितना अच्छा सोच रहा था, लेकिन वह इसकी सोच केवल इसके वेस्टेड इंटरेस्ट से था। एक ऐसा राज की कल्पना कर रहा था जो प्रभु यीशु मसीह के, जो दुनियादारी के हैं। प्रभु यीशु मसीह को वहाँ ये इस्तेमाल करना चाहता है और खुद उसमें मुख जगह को पाना चाहता है। एक ऐसा राज जिसमें पापों की माफी है, जिसमें प्रेम है, प्रेमी स्वभाव को देखा है, जिसमें बड़े से बड़े भयंकर जो है दुष्ट आत्मा से छुटकारा पाया, रोगियों को, कोढ़ियों को, जो लंगड़े लूले जितने प्रकार के अंधे भिखारी, उन तमाम को जो इसने चंगा करता है, तो इसने वो इसके दिमाग में बातें चल रही होगी कि प्रभु यीशु मसीह उस राज का मालिक हो, उस जो है उस राज के बारे में प्रभु यीशु मसीह को ये राजा मान रहा था। और ऑफ कोर्स इसमें कोई तो डाउट ही नहीं है कि जैसे इस समय भी जो वो प्रभु यीशु मसीह का खजाना संभाल रहा था, तो वो भी इसने कल्पना की होगी कि जब प्रभु यीशु मसीह का राज आएगा तो उसमें ये फाइनेंस मिनिस्टर होगा, एक बड़ा इसको मुख्य जगह मिल जो खास जगह मिली होगी। लेकिन ये जो राज है इस सब के बीच में ये दुनियादारी के राज को देख रहा है, ये सोच रहा है कि प्रभु यीशु मसीह ही वो व्यक्ति है जिनमें इतने गुण है, इतनी सामर्थ्य है, इतने अधिकार है, इतनी बुद्धि, इतना ज्ञान है, इस तरीके से वो दूरदृष्टि तक सोचता है, वही एक ऐसा व्यक्ति है जो रोमी शासन से जो है हमें छुटकारा दे सकता है और एक अच्छा सुंदर राज जो है राजपाट को अच्छी तरीके से चला सकता है। लेकिन हम जैसे सब जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने ये दुनिया का राज, संसार का राज लेने से इनकार किया। उसका राज इस दुनिया का नहीं है, उसका राज आत्मिक है, उसका राज स्वर्ग का है, उसका राज आत्माओं के ऊपर है, हमारे दिलों के ऊपर है, जिसमें वो चाहता है कि वो हमारे दिलों में आए, राज करे। तो ये सब कुछ उसने देखा, इस महत्वाकांक्षी तरीके का व्यक्ति था, प्रभु यीशु मसीह को जानता था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के रास्ते और इसके रास्ते अलग थे। ये दुनिया में राज करना चाहते थे, प्रभु यीशु मसीह आत्मा में राज करना चाहते थे। जब हम इसके जीवन के बारे में और आगे सोचते हैं तो एक ऐसा व्यक्ति है जो एक बहुत बड़ा पाखंडी है, नाटकबाज है, जिसके लिए प्रभु भी जो है इन तमाम लोगों को जो है समय समय पर उनको जो है डांटते रहे। हिप्पोक्रेट बोला, तुम पखंडी हो, तुम चूना फिरी हुई कब्रों की तरह हो। अभी देखा जाए तो यहूदा जो है एक चूना फिरी हुई कब्रों की तरह है, बाहर से प्रभु यीशु मसीह के साथ है, बाहर से गिनती में प्रभु यीशु मसीह के 12 चेलों में से 12वां चेला है, मंडली प्रभु यीशु मसीह के लोगों की है, परमेश्वर के लोगों की है, लेकिन अंदर से शैतान का एजेंट है। प्रभु यीशु मसीह के साथ है, चेला प्रभु यीशु मसीह का है, भर्ती उसमें हुआ है, लेकिन ये काम शैतान के कर रहा है, शैतानी कामों में रहा, अलग अलग जो पर चोर था, कपटी था, छलबाज था, ये इसके स्वभाव की बातों को हमने देखा। और अब देखने वाली सोचने वाली बात है कि इतना समय निकल गया है, चेलों ने इसके कभी ऊपर कभी शक नहीं किया, चेले इसको समझ नहीं पाए,
या प्रभु यीशु मसीह ये कहते हैं तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा, तो अपने आप को चेले दोषी मांग रहे हैं। हर कोई अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के सामने लाता है कि प्रभु क्या वो मैं हूं, प्रभु क्या मैं हूं। वो अपनी आत्मा में अपने डर में है, कभी मैं प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाने वाला ना बन सकूं, कभी ये जो है घिनौना काम मेरे द्वारा ना हो सके। तो इस तरीके से वो अपने आप को जांच रहे हैं, परख रहे हैं, प्रभु यीशु से जानना चाहते हैं। इसने पूछा भी नहीं, और बड़ा ये एकदम से स्पष्ट है जब चेले इसको नहीं पहचान सके कि ये पकड़वाने वाला है। प्रभु यीशु का तुम में से एक है जो पकड़वाएगा, और चेले पूछ रहे हैं, इसको कोई परवाह नहीं है। फिर ये प्रभु यीशु मसीह के साथ है, प्रभु यीशु मसीह के लोगों के साथ है। प्रभु यीशु मसीह ने जब दो दो करके अपने चेलों को भेजा, ये उस जगह पर भी साथ है, और परमेश्वर पवित्र आत्मा इनको इस्तेमाल कर रहा है, चंगाई दे रहा है, सुसमाचार प्रचार कर रहा है। ऐसे आज भी बहुत सारे लोग हैं जिनको इस प्रकार के दान वरदान प्राप्त हैं, परंतु फर्क क्या है, उन्होंने परमेश्वर का वचन जो है अपने हृदय में नहीं रखा। वो परमेश्वर के राज के लिए नहीं बल्कि अपने पेट के लिए, अपने संसारिक औहदों के लिए जो है संसार में जो है अपने को बड़ा करने के लिए वो जो है सेवा में आया। बहुत सारी मिनिस्ट्री में बहुत सारे लोगों को ऐसे पाया जाता है, और उनका अंत भी जैसे यहूदा का हुआ, हमने कई ऐसे लोगों का भी अंत देखा है। अभी देखने वाली बात है कि ये जीवन के दाता, मुक्ति के दाता, सृष्टि के कर्ता के साथ रहा है। होना तो ये चाहिए कि वो अनंत जीवन जो प्रभु यीशु मसीह आरंभ से जो है जिसके लिए आए, जिसकी जो है प्रभु यीशु मसीह क्लेम करते हैं, हमेशा उस चीज को बताते आ रहे हैं, वो अनंत जीवन इसको भी होना चाहिए। लेकिन यहाँ अनंत जीवन क्या, आत्मिक जीवन क्या, इसने तो अपना भी जीवन जो है बर्बाद कर लिया, उस शैतान के पीछे लग के उस बुराई में पड़ करके जो है इसने अपना जीवन भी समय से पहले वो खत्म कर लिया। आप सब जानते हैं कि इसने जब ये सारी चीज़ों को रियलाइज़ किया तो पश्चाताप करके अपने आप को परिवर्तित करके एक नवीनीकरण करके जो है नए सिरे से प्रभु को देने की बजाय इसने अपने आप को आत्महत्या कर ली। तो अनंत जीवन तो एक अलग चीज़ है, इसने अपना आप भी जो है अपना जो जो संसारिक जीवन भी खुद ही उसको ख़त्म कर लिया। फिर जब हम इसमें देखते हैं इसका स्वभाव कपटी है, इसका स्वभाव छल से भरा हुआ है, इसका स्वभाव जो धोखेबाज है, इसके स्वभाव में ये तमाम चीजें पाई जाती है, धोखा देना, छल करना, कपट करना, चोरी करना, धन की चोरी करना, वो खजाने का जिम्मेवार होकर के गैर जिम्मेवारी वाले काम करना, वो सारा इसके स्वभाव में इसके जीवन में हमें पाया जाता है। प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाए जाने के समय भी जब जहां वो जो ये शास्त्री लोग, प्रधान लोग, ये तमाम लोग डरते हैं, याजक लोग जब डरते हैं तो वचन में लिखा है कि वो ये नहीं चाहते थे कि पब्लिक के बीच में कहीं बलवा मच जाए। तो इसका भी हाल यही है कि उसने मान लिया, उसने पैसे लेना मान लिया, और अफसर ढूंढने लगा कि जब भीड़ ना हो तब उसे उनके हाथ में पकड़वा दी। ये भी जो है बड़े इस कपट में है, बड़े एक चाल में है कि जब भीड़ ना हो। और इसका दूसरा कपट हमें दिखता है जब मरियम ने उस बहुमूल्य इत्र को तोड़ा, प्रभु यीशु मसीह के मरने से पहले उसका अभिषेक किया, तो ये वह कैलकुलेशन करता है, और उस कैलकुलेशन में उस इत्र का इसने 300 दिनार का जो है इसने वैल्यू निकाली। और क्या कह रहा है, इसका कपट देखिए, वह कहता है इसका नाश क्यों किया, नुकसान क्यों किया गया, ये बेचा जाता, कंगालों को बांट दिया। परमेश्वर के वचन में जो हम 12वां अध्याय योना का पढ़ते हैं उसमें हमें जो जानने को मिलता, पढ़ने को मिलता है कि इसे कंगालों की कोई चिंता नहीं थी, उस चैरिटी के बारे में इसको नहीं, इसको सिर्फ पैसे की चिंता थी कि वो पैसा खजाने में आता और वो खजाना इसके हाथ में रहता, और ये उस पैसे को अपनी मर्जी के अनुसार उसको इस्तेमाल करता, जहाँ उस खजाने को निकाल लेता, जैसे वचन में जो डाला जाता था उसमें से ये निकाल लिया करता था। तो दिखावा है कि ये पैसा गरीबों को दिया जाना चाहिए, जबकि ये ऐसा नहीं चाहता था, दिल में ये चाहता था कि वो पैसा इसके पास आना चाहिए।
छल कपट या प्रभु यीशु मसीह को इसने पकड़वाया है और मौका ढूंढने लगा है कि पब्लिक के बीच में जब भीड़ प्रभु यीशु मसीह के साथ ना हो उस समय पकड़वाएगा। तो प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाने के लिए इसने जो है पासवर्ड रखा, उन लोगों को बताया कि जिसको मैं किस करूंगा, जिसका मैं चुमा लूंगा वो है उसको पकड़ लेना है। और जब गतसमनी बाग में ये उस भीड़ के साथ जाता है, प्रभु यीशु मसीह को सलाम बोलता है, ग्रीटिंग्स देता है और वचन में लिखा उसने प्रभु यीशु मसीह को चूमा। अभी जो चूमना है एक बड़े आदर बड़े प्यार की बात है, किसी की इज्जत करना है, किसी को अच्छे तरीके से रिसीव करना, किसी की अच्छे तरीके से जो रिस्पॉन्स करना। हम जब जो है किसी को किस करते हैं, हम जब किसी को चूमा देते हैं या किसी का जो कोई हमें करता है तो एक बड़ा प्यार है, एक बड़ी नजदीकी पन का जो है इस्तेमाल होता है। ये दिखावा क्या दिखा रहा है? प्रभु यीशु मसीह को प्यार करता है। दिखावा क्या है? कि प्रभु यीशु मसीह का आदर मान करता है, जबकि प्रभु यीशु मसीह का आदर इसके दिल में कुछ नहीं था। प्रभु यीशु मसीह को ये बिल्कुल भी प्यार नहीं करता था और प्रभु यीशु मसीह की किसी भी बात के साथ ये सहमत नहीं था, बल्कि उसका विरोधी था और उसका दुश्मन बन चुका था, उसको मरवा देना चाह रहा। उसके लिए इसने जो है इतना बड़ा कदम उठाया। और उसके साथ और बहुत सारी बातें हैं जो हम इसके जीवन में देखते हैं कि बहुत ही एक बढ़िया एक्टर है, बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहा था यहाँ, क्योंकि यहाँ चेले इसको पहचान नहीं पा रहे। मरियम को जब डांटा गया अलबास्टर के समय में, कल हमने देखा, तो इसने इतने अच्छे तरीके से वो बयान किया, जैसे ना एक ऐसा व्यक्ति है जो ब्रेन वॉश भी कर सकता है। चेलो के दिमाग में इस प्रकार से वो बात बैठा दी कि मरियम ने बहुत बड़ा नुकसान किया है, और वो इसका समर्थन करते हुए मरियम को वो भी झिड़कने डांटने लगे। तो इस व्यक्ति में इस प्रकार का स्वभाव था, दिखावटीपन ज्यादा था, असलियत में कुछ और था। और इस प्रकार से हम जब आगे बढ़ते हैं, एक बहुत बड़ी अच्छी बात इसमें देखते हैं कि इसके पास एक बहुत बड़ा मौका था, बहुत बड़ा एडवांटेज था इसके पास। वो ये था कि जीवन के दाता के साथ था, चेलों के साथ था, उस बड़े सुसमाचार को सुनाने वाले उस बैंड के साथ था, जो दुनिया को उस सच्चाई का मार्ग दिखाकर सच्चे ईश्वर के साथ मिलाने वाले थे, वो इसके पास भी था। जीवन को पाने का इसके पास जो है बहुत अच्छा मौका था। बार बार इसको मौके दिए जा रहे हैं, बार बार इसको जो है वचनों की चेतावनी दी जा रही है, इसके बारे में भविष्यवाणी हो रही है, उसको इसके सामने रिपीट होते हुए देख रहा है। इसके पास मौका था, इसके पास मौका था जब जो है प्रभु यीशु मसीह इसको समझाते चेतावनी देते हैं। इसके पास मौका था, प्रभु यीशु मसीह ने जो इतना सारा शिक्षा 3-3.5 साल में दी उसका अनुसरण करके आगे अपने जीवन को अपने टैलेंट्स को और बढ़ा करके प्रभु के लिए आत्माओं को जीतने का। लेकिन ये प्रभु के लिए आत्माओं को जीतने बजाय अपने लिए सब कुछ जो है अर्जित करना चाहता है। और फिर हम देखते हैं इसके पास बहुत बड़ा मौका था जब इसने प्रभु यीशु मसीह को पकड़वा दिया, जब प्रभु यीशु मसीह को मृत्यु का जो है आज्ञा उसके लिए दे दी गई कि इसको स्लीपर चढ़ा करके इसको मार दिया जाए। तो तब इसको समझ लगी कि इसने गलत किया है, इस चीज को इसने अंगीकार कर रहा है कि इसने गलत किया है, कि धर्मी जन को इसने नजायज तरीके अन्याय किया उसके साथ। और यहाँ इसके लिए एक और मौका था कि जब ये इस चीज को कन्फेस कर रहा है, इस चीज का अंगीकार कर रहा है, और अंगीकार करने के द्वारा इसने पछताया, लेकिन इसे पश्चाताप नहीं किया। ये इसको जो गलती तो मान रहा, सॉरी तो कह रहा, लेकिन वो दिल से अब जो है इसको चाहिए था कि उस गलती को अपने हृदय में अपने दिल में जो है स्वीकार करके अपने आप को पुनः समर्पित करता। जब इसने इस चीज को जान लिया है कि इसने एक धर्मी व्यक्ति के साथ अन्याय किया है और इसको जो है मौत के हवाले कर दिया जाए, उस मौत के सुदागरों के हाथ इसको कर दिया है, तो उस समय इसको चाहिए था कि प्रभु यीशु तो वो परमेश्वर की मर्जी के अनुसार, परमेश्वर की योजना के अनुसार मृत्यु को पाने के लिए या मरने के लिए जा रहा है, उस योजना को पूरा, अब इसको अपने आप को बचाने के लिए एक सच्चे हृदय रूपी जो है हृदय की जरूरत है, सच्चे
पश्चातापी रूपी हृदय की जरूरत थी, अपने आप को एक जो रिन्यू करके एक अपने आप को नए मनुष्य की तरह अपने आप को प्रभु के हाथों को समर्पित करके फिर से रीस्टार्ट करने का मौका था। अब देखो यहाँ पत्रस ने भी गलती की, 3 बार प्रभु यीशु मसीह का इनकार किया और वचन में लिखा पश्चाताप किया, रोया, फूट फाट के रोया और फिर से उसने अपने आप को प्रभु के हाथों के समर्पित किया, प्रभु के कामों के लिए अपने आप को समर्पित किया और प्रभु ने उसको बहुत सामर्थ्य के लिए कलीसिया की स्थापना के लिए प्रभु ने परमेश्वर ने उसको इस्तेमाल किया। ये भी उन्हीं 12 चेलों और पत्रस की तरह इस्तेमाल हो सकता था लेकिन इसने अपने आप को समर्पित नहीं किया। आइए हम जब इन दिनों में होली वीक को सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम अपने आप को अपने जीवन को होली बनाए, पवित्र करें। ये जो पात्र जिनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, ये जो इंसिडेंट जो इस समय हो रहे हैं, उन पर्वों के बारे में जो इस समय उल्लेख हो रहा है, इवन उन शास्त्रियों के लिए, उन याचकों के लिए, उन फरीसियों के लिए भी जब हम पढ़ते हैं वो कैसे क्या जिम्मेवारियां थी और वो क्या कर रहे हैं, इन सब से हमें सीखने को मौका मिलता है। और इस होली वीक में प्रभु के हाथों के समर्पित करके हम सब होली बन जाएं, पवित्र बन जाएं, उस पवित्रता को प्राप्त करके हम उस ईश्वरीय जीवन में प्रवेश करने वाले बन सके। प्रभु हम सब की सहायता करें कि हम परमेश्वर के वचनों को अपने दिल में रखें, हम यहूदा इस्करियोती से सीखें, हम और प्रभु के लोगों से सीखें और जैसा प्रभु चाहता है वैसे हम अपने आप को पवित्र शुद्ध करके प्रभु की महिमा करने वाले बन सकें। प्रभु आप सबको, हम सबको बहुत आशीष दे। आमीन।